ये मूव करते हैं नेक्स्ट पर अब है एक्सरसाइज 2.1 ये आपका इंट्रो कंप्लीट हो गया यह है यहां पर एक्सरसाइज 2.1 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल इज इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट तो हमें इसमें बताना है कि आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं तो इसमें से कि वेरिएबल कौन सा है विच इज़ वेरिएबल और विच इज़ नॉट वेरिएबल ओके तो आपको बताना है तो इसमें देखिए आपको यह पहले टर्म मतलब पॉलिनोमियल क्या दिया है फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल तो यह एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा टर्म है इन वन वेरिएबल दैट इज़ एक्स तो ये एक किसमें किसने वेरिएबल हैं वेरिएबल क्या कहलाया था क्या बताया था हमने जैसे एक्स है वाई है ए से लेके जेड तक के वेरिएबल कहलाते हैं तो यहाँ पर क्या केवल एक वेरिएबल है तो यहाँ पर क्या, क्या लिखेंगे हम इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और दैट इज़ एक्स सेकेंड क्वेश्चन है इट इज पॉलिनोमियल ये एक पॉलिनोमियल है देख लेंगे और कितने वेरिएबल का है एक ही वन वेरिएबल का है और क्या है वाई है आपको इस प्रकार से लिखना है इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन को लिखना है फोर्थ फिफ्थ या आपके क्या हैं आपके ये आपके होमवर्क हैं आपको फिर भी हम फिफ्थ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देते हैं जैसे कि इसमें कितने वेरिएबल हैं तीन वेरिएबल हैं तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल या एक पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल का क्योंकि हमें क्या बताना था कि वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है कि नहीं तो यह वन वेरिए वन वेरिएबल का पोलिनोमियल नहीं है बट इट इज इन थ्री वेरिएबल बट ये थ्री वेरिएबल का पॉलिमियल है वन वेरिएबल का ना होकर ये थ्री वेरिएबल का है और क्या क्या है वो एक्स है वाई है और टी है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड है राइट द कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट को लिखना है जैसे अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो एक्स स्क्वायर का coefficient आप अब आपको यह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को लिख लाना लिखना है ऐसे फिर एक्स को देखेंगे आप कॉफिशियंट क्या है एक है इन में कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है इसलिए सो इट्स कॉफिशियंट इज वन नाउ मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड इज टू माइनस एक्स स्क् प्लस वाई स्क्वायर तो हमें क्या इसमें एक्स स्क्वायर का लिखना है. तो देखिए आप एक्स हम लिखेंगे माइनस वन इन टू एक्स स्क् माइनस वन क्या हो जाएगा इसका कॉफिशियंट हो जाएगा इस प्रकार आपको यह और यह आपको होमवर्क है आपको खुद करना है नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इज गिव वन एग्जाम्पल हमें एक एग्जाम्पल देना है ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री थर्टी फाइव हमें एक एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री क्या हो थर्टी फाइव हो और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री क्या हो हंड्रेड हो तो बाइनोमियल क्या होता है जिसके दो टर्म होते हैं तो बाइनोमियल क्या हो जाएगा एक्सरेस टू थर्टी फाइव प्लस वन और मोनोमियल क्या हो जाएगा एक्सेस टू हंड्रेड क्योंकि मोनोमियल में एक टर्म होता है नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलोनोमियल हमें हर एक पॉलिनोमियल का जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसकी हमें डिग्री लिखनी है डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर होती है तो आप देखिए इसकी हाईएस्ट पावर क्या है हाईएस्ट पावर थ्री है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज थ्री यह आपको इनमें हर एक में लिखना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वन यह आपके यह आपके आंसर हैं ओके नाउ मूव ऑन फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है okay? Now, क्ला क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें बताना है कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है तो इट हाइएस्ट पावर इज वन सो दैट इज लीनियर यदि हाइएस्ट पावर वन है तो वह कैसा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा यदि हाइएस्ट पावर टू है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा और थ्री है तो क्यूबिक हो जाएगा यह भी हमने अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट में हमने यह समझ ही लिया है ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमें इसमें क्या लिखना है कि कौन सा है मतलब पॉलिनोमियल क्या है और इसकी डिग्री क्या है तो अब देखिए दो टर्म है तो क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा यदि एक होता तो क्या हो जाता लीनियर हो जाता तो इस प्रकार से और डिग्री क्या है इसकी देखिए आप स्क्वायर है सबसे हाईएस्ट पावर टू है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी टू इसी प्रकार आप देखिए यह भी एक कैसा हो जाएगा यह एक एक्स माइनस एक्स एक, की ओर क्यूबिक पॉलिनोमियल इसकी कितनी घात तीन है मतलब पावर तीन है तो क्या हो जाएगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा यहाँ पर पावर टू थी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया था तो और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी थ्री इसकी डिग्री हो जाएगी इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर क्या है टू है पावर तो यह क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया और इट्स डिग्री डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी टू इसकी डिग्री हो जाएगी या आप देखिए आप यह एक हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल उसकी इसकी पावर एक है और इसका डिग्री क्या हो जाएगी इसकी डिग्री हो जाएगी वन मूव ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट है थ्री टी तो थ्री टी आप देखिए थ्री टी में आ, कैसा हो जाएगा ये एक लीनियर पॉलिनोम हो जाएगा लीनियर क्यों हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर वन है और इसका डिग्री क्या हो जाएगी वन क्योंकि टी के ऊपर वन की पावर है इसी प्रकार आपको ये दोनों भी आपको समझ लेना है इसकी डिग्री टू है क्योंकि यह आर स्क्वायर है तो आर क्या होता है क्वाड्रेटिक हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है सो so, यदि आपकी लेक्चर आपका जो कि इसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया है यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप से मुझसे पूछ सकते हैं और आप इसको नोट्स प्रोवाइड की मतलब बनाने हैं और आपको इसकी पिक क्लिक करके हम इसकी पीडीएफ में नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपको लिखने में नोट्स बनाने में आपको परेशानी नहीं जाएगी और आपको वीडियो से समझना है और नोट्स से आपको लिख लेना है ओके okay? थैंक्स